नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, ये बड़ी ही दुखदायी खबर है, दुर्घटना से जुड़ी हुई खबर है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली थाना क्षेत्र से खबर आई है कि वहां पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसमें 10 लोग मारे गए हैं, 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी सिटी पोस्ट लाइव के जो संवाददाता हैं लखनऊ से, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि मऊ जिले में एक दुर्घटना हुई है और गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ है। दरअसल एक घर में नाश्ता बनाने का काम चल रहा था और उसी दौरान गैस सिलेंडर विस्फोट कर गया और इतना भयानक विस्फोट था कि वो इमारत ही ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई और उसमें 10 लोग मारे गए, 30 लोग घायल हैं जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनको स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरे इलाके के लोग थर्रा गए, आसपास की जो मकानें थीं उनकी नींव भी हिल गई। तो कई ऐसे मकान हैं जो इस विस्फोट वाली मकान के आसपास हैं, उनको काफ़ी क्षति पहुंची है। तो शासन प्रशासन जुटा हुआ है, राहत बचाव कार्य चल रहा है और जांच पड़ताल भी चल रही है कि आखिर गैस सिलेंडर में विस्फोट कैसे हुआ, गैस विस्फोट की वजह क्या है, ये जानने में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। गैस विस्फोट की वजह क्या है ये बताने के लिए वो परिवार जिंदा नहीं है जिसके घर में ये विस्फोट हुआ है, क्योंकि पूरी मंजिल जमींदोज हो गई और सारे लोग मारे गए हैं। तो जिस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो जाए, 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इलाके में क्या माहौल होगा। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, जिनके परिजन मारे गए हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, मलबे को हटाने की कोशिश जारी है और आशंका है कि मलबे में और भी लाशें दबी हो सकती हैं या कोई जिंदा भी निकल सकता है। तो राहत बचाव कार्य जारी है, मलबे को हटाया जा रहा है, जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसमें से कई लोगों की जान खतरे में है। तो ये बड़ी खबर थी उत्तर प्रदेश से, जिसे हम आपको बता रहे हैं। सिटी पोस्ट लाइव लखनऊ में अपना दफ्तर खोल चुका है, लखनऊ के गोमती नगर में हमारा सिटी पोस्ट का दफ्तर है। कोई बड़ी खबर हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और लगातार हम उत्तर प्रदेश की खबर, बिहार के साथ साथ झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। हम अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी अपर्णा भारती, फाइनलिस्ट हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 9 क्रीज, आ रही हूँ हमारे अपने शहर पूर्णिया, क्योंकि धनतेरस मेला के शुभ अवसर पर पैनोरमा ग्रुप ला रहा है पैनोरमा स्टार सीजन 2। और इस बार की खासियत ये है कि इस बार केवल बच्चे ही नहीं बल्कि मैरिड विमेन भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी इसमें। बच्चों के लिए 12 इयर्स से 25 इयर्स तक अगर आप में सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग का है क्रेज, तो आप अपनी 2 मिनट की वीडियो बनाकर 7549000057 पर सेंड करें, 7549000057। और लेडीज, आपको है अगर क्रेज डांसिंग और सिंगिंग का, तो आप भी अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाकर 7549000057 पर सेंड करें। और ऑडिशन की वीडियो भेजने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। याद रहे, धनतेरस मेला जो पैनोरमा ग्रुप द्वारा होने जा रहा है वो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक है। और भी ढेरों सरप्राइजेज हैं और एक बहुत ही सुनहरा अवसर बॉलीवुड के सिंगर शब्बीर कुमार से मिलने का और मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 9 की फाइनलिस्ट अपर्णा भारती से ग्रूमिंग लेने का। सो बी रेडी एंड हरी अप, सेंड योर ऑडिशन वीडियोस राइट नाउ। सी यू सून, बाय बाय।